बेटा, हम लोग जा रहे हैं माता रानी को फंसाने ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है दसवीं, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दसवीं। बोलो बेटा हैप्पी दसवीं, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग चल रहे हैं माता का विसर्जन करने के लिए। साढ़े से उठा, यहाँ वाला वो मटका नहीं उठाइएगा। अभी कितना झोला होगा, अभी आराम से उठा लीजिए। चल ना पापा, पापा के साथ ही चल रहे बेटा। तो हम लोग जा रहे हैं माता का विसर्जन करने के लिए। आई होप कि आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करेंगे एंड पसंद करेंगे। अभी सुबह सुबह हम लोग कल रात में डांडिया खेले हैं। अभी सोए हुए क्या ना करता है तो क्या होगा ना, गाड़ी में रख के लेके आते हैं। रख के आइए देख रहा है बुआ। ये चुंदरी तो माता को बिछाने के लिए बिछा, बिछा कोई बात नहीं। एक काम करो ना, क्या ये तो तुम लेके नहीं जाओगे? हम बुआ को लेके रखे, यहाँ पर रखे ना, तो ले लेंगे। ये दोनों करके गाड़ी लेंगे, गाड़ी पकड़ इच्छा बंद करके बुआ के, बुआ को लेके नहीं जाएगा। आई चल बेटा, फिर तुम गिरा के काम मत लगा देना। आ आ चलो चल, तू क्या काम। गाइस तो हम लोग आ गए थे माता जी को विसर्जन करने। सो गाइस, तो ये गए हैं माता रानी का विसर्जन करने के लिए। देखो ना गाड़ी डगमगा दे रहा है, बाद में तो बच्चे ऐसे ना 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 बचा तो बचा नहीं। तो आप बोलेंगे आप करवा रही, तुम करवा रही हो, लेकिन देखिए उधर गाड़ी चल रहा है। ये ब्रेक व्रेक सब ले रहे हैं, ब्रेक हम मार देंगे, मुझे दिख नहीं रहा गाड़ी चलाते। अभी सीख लिया ना ऐसे, तो जब गाड़ी में बैठेगा इसी के लिए करेगा। आप इसको दे दिए ना बस करने के लिए। अब हो गया, आ जाओ आ जाओ पापा मम्मी पास आ जाओ। गुड मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह हो गई हूँ नहा धोवा के रेडी, और आज है दसवीं। तो मैं जा रही सिंदूर खेलने पंडाल में दुर्गा जी का। तो आई होप आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। और ये है मेरी कुछ फाइनल लुक आज का, देखिए से बोल ही रहे हैं वैसे। जहाँ जो कारो मिस हो गए तारे नम्बर पड़े आसबे, तारा पेछने बसे थाकबे। सो गाइस, तो हम लोग ना माता का विसर्जन करके यहाँ पे कुछ पास में नदी पड़ता है, वहीं पे विसर्जन करके उसके बाद आके नहा धोवा के फिर सिंदूर खेलने चले गए। बंगाली कल्चर में थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहाँ पे सेलिब्रेट किए, तो आज सिंदूर खेला करके बंगाली में होता है। चंदन की मैं दूर से ही हमें कुछ दिखा है। तो अभी चल रहे हम लोग का नंबर आ गया है। दशमी मनाया जाता सिंदूर खेलने वाला, वहीं पे आए हुए हैं और माता रानी का दर्शन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग का टोकन 100 नंबर पे है, तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक भूल समय तो मैंने किसे लेके एनी टाइम पे खेल लेंगे।
भैया यहाँ सिंदूर मिल जाएगा क्या? ये मैं ले चलूँगा। हेलो, सुनिए ना, सिंदूर मिल जाएगा? सिंदूर कहाँ मिलेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं प्रसाद वगैरह लेने आ गई थी, सिंदूर वगैरह मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैं घर से प्रसाद तो लेकर आई थी, सिंदूर नहीं लेके आई थी। सिंदूर खेलना है तो सिंदूर तो लाना ही पड़ेगा, तो अभी चलती हूँ बाहर लेकर आती हूँ। अभी मैं सिंदूर लाने के लिए ढूंढ रही हूँ मार्केट। सिंदूर कहाँ मिलेगा? सिंदूर, सिंदूर आप आ जाओ बेटा, कन्ने के लाना है। किधर है दुकान सिंदूर का? दुकान इसमें सिंदूर एक पानी का बोतल दे दे, सिंदूर एक पानी का बोतल दे, इसमें उसमें भैया डाल दीजिए। 20 वाला ले ले, 10 वाला नहीं है तो 20 वाला। एक मिनट पकड़िए। तो यहाँ से मैं पानी पी ले ली हूँ, प्रसाद और सिंदूर। अब चलती हूँ माता रानी पूजा करने के लिए। सिंदूर खेलना है, अब पहली बार बंगाली लोग का कल्चर में आए हैं, दशमी को खेला जाता है वही। सो गाइस, तो यहाँ पे ना टोकन सिस्टम था, तो लाइन से खड़े होना है, लाइन से जाना है, तो इसलिए मेरा 100 नंबर पे था तो मैं वेट कर रही थी। फाइनली मेरा नंबर आ गया है। दर्शन फाइनली हो गए, बहुत नंबर आया। सारे मेंबर सोसाइटी मिलके ही करते हैं, जो जिनका जैसे कल्चर है वो वैसे वैसे अपना अपने कल्चर के अनुसार पूजा करते हैं। और पहली बार में तो मैं हम लोग तो पूजा करते लेते थे, लेकिन सिंदूर विंदूर खेलना पहली बार कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जिनके साथ मैं अभी खड़ी हूँ, दीदी बाजी काफ़ी कोऑपरेट की थी मेरे को पूजा वगैरह करवाने में, क्योंकि ये सोसाइटी की थी, तो बस इनसे बात करके मैं थोड़ा जल्दी भी की थी पूजा। और बस अब अभी हम लोग सिंदूर खेलेंगे, और सबका अपना अपना कल्चर का एक अलग ही खुशी रहता है, एक अलग ही पहचान होता है। और ये करके मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाहर में ढंग का नज़ारा भी था। माता रानी की कहीं ना कहीं विसर्जन है, आज विदाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दुख भी हो रहा था कि आज माता रानी बस चली जाएंगी। 9 दिन कैसे निकल गए, हम लोग का हंसते खेलते पता नहीं चला, पूरे दिन उसी में लगे रहते थे। लेकिन फाइनली आज घर भी सुना सुना और सब जगह हल्का सुना सा ही लग रहा था। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग सिंदूर वगैरह पूजा करने के बाद ही खेला जाता था, खेल रहे थे, एक दूसरे को लगा रहे थे, उसके बाद हम लोग फोटो वगैरह प्यारे प्यारे क्लिक कर रहे हैं सबके साथ, सब एक अलग ही कलर में, वाइट और रेड के कलर में साड़ियाँ पहन के, और सब कुछ इसको बहुत समझ में आ रहा था, कर इन्जॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो बहुत सारे मेम्बर मेरी सोसाइटी के ही हैं।
आप लोग बंगाल से हैं क्या? अब किस प्रीति अब जरा आंखें भी नहीं दिखेंगे सकाल दिखे किचु खाई नहीं तो जलो खाई नहीं तुमरा खे ना जल चाय बोलो ना आप बोलिए ना अपना ये प्रोग्राम के बारे में बताइए ना दीदी कैसे दसवीं के होता है साढ़े तीन के रंगोली बताइए। आज के दिन हम लोग सब मिलके सिंदूर खेलते हैं माँ को विदाई कर देते हैं कि वो फिर अगले साल आए खुशी के साथ विदाई देते हैं इस खुशी से कि अगले साल फिर आए माँ पूरे सोसाइटी मिलके हम लोग सारे सोसाइटी के मेम्बर्स मिल के ये पूजा करते हैं। और मैं पहली बार आई हूँ इन लोग के मतलब ग्रुप में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सीमा दी आपको बोलिए क्या बोलूँ आप भी कुछ बोलिए। शुभ विजया आप लोग का ये फंक्शन में अटेंड करके हमको काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगा अच्छा वेरी गुड आना अगले साल भी आना है ना जरूर आप बोला हमने अगले साल आना अच्छा लगेगा। निम्मी क्या हुआ कितना बार बना रही है निम्मा निम्मी कितनी क्यूट लग रही है तुम्हें इसमें देखो कितनी क्यूट सी बेबी डॉल सी। मैं ये टावर में रहती हूँ यहाँ पे बात करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत फोटो वगैरह खिंचवाए थोड़ा सा जींस वगैरह बनवाया सूट कॉम्बिनेशन कर और यहाँ पे अब होगी डांडिया वाली नगाड़ा माता का ना वो और सब बहुत ही क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी सी लग रही थी सब सब ज्वेलरी साड़ी एक्सेसरीज पहन नियम तो जानते चाहिए। ओके तो पहले हम भगवान को बॉरोइंग करते हैं उसके बाद फिर हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं मिठाई खिलाते हैं माँ को बरन पहले बरन करते हैं फिर हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू शुभ विजया भैया हंसी में नहीं इसको एक्चुअल में कहते क्या है सिंदूर खेलना कहते हैं सिंदूर खेला बंगाली में खेला इसको फाइनली बंगाली में कहते हैं सिंदूर खेला जो कि विजयादशमी के दिन होता है माता की विदाई अच्छे से किया जाता है सिंदूर भर भर के लगा के खेल के जाओ।
को नहीं लगाओगी? ये पापा को लगा रही हूँ। मम्मा टंग दिखाओ अपना। रेड रेड टंग सप्तऋषि संघ। হ্যাঁ সপ্তঋষি সঙ্গে এত ভালো লেগেছে, দুটো আর্টিস্ট গান করলো সেটা। হ্যাঁ তোরা গানা বাজানো হতো তো ভালো লাগে। মাত করো মাত করো। টোকেন পরে নিয়েছে ওকে। হ্যাঁ ওকে আমি বলেছি সকালে 9টায় পাঠিয়ে দিই। দিতে গেছিল ক্রিকেট ও নিজে পিটা জানা যা। মা প্রসাদ লিখে আয় মামা। মা 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 করে মামা। প্রসাদ খা। প্রসাদ খা বেটা। ই টেস্টি। টেস্টি টেস্টি। মা 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 করে মামা। सिंदूर रख बोला सिंदूर हमें भी रखना पड़ेगा। उसके बाद माता जी के पास फ्यूनरल है बड़ा कब्रिस्तान जो मरीन लाइन्स में है वहाँ पर। बहुत कम सारा छीख सब उड़ाने छीखने में वहाँ जाता है थोड़ा सा आ पाए। बेटा मम्मा का पापा जी का प्रसादी कहाँ गया? प्रसादी कहाँ गया? मम्मा कैसे लग रही है? प्यारी लग रही है मम्मा। प्यारी मम्मा लग रही है। पापा प्यारी लग रही है मम्मा। पापा पापा के साथ है। पापा के साथ है उतना देर से। पापा के साथ पापा के साथ खेलो मम्मा के साथ नहीं। माता दी सारे बोलो। तो गाइस आप लोगों को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। मैं आ गई हूँ घर और मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। कपड़ा वगैरह चेंज करके मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की हूँ। अभी बाबा के साथ एंजॉय करना। आप लोग टेस्ट नहीं चेंज करेंगे ना? ढेर नहीं होगा लेने वाले। ओवर डाइट है बेटा। कहना है कहना है मम्मा के साथ। अब जाओ तुम मामा के साथ घूम के आओ तो हम खाएंगे। चलो नहीं तो एक लेव सिडियन खा लेना। वो गरम गरम इतना टेस्टी लगा ना। बाप रे अच्छा बना था। मुझे दसवीं हो गया। वो लोग मछली बनाते हैं आज दसवीं के दिन विदाई के दिन। हम लोग तो खस्सी बलि चढ़ता ना हम लोग का मटन का। तो आज मटन ही बनता है ना बेटा। एक घंटा सो जाए। हम हो गया रोटी लेकर चलते हैं। चलेंगे अभी 4 बजे चलेंगे। ठीक और दुर्गा जी भी चलेंगे। तो अभी हम लोग मटन पूजा करके आए और घर पे मटन की पार्टी मिल गई। हाँ